जरों को चट्टान बना दे निर्धन है धनवान बना दे अल्लाह। ये हिंदुस्तान के हमारे मेरे भाई अजीम भाई का ये लिखा हुआ आइटम है, ये बिल्कुल मुलाजा करे कि जरों को चट्टान बना दे या अल्लाह, विरदन है धनवान बना दे या अल्लाह, हिंदू मुस्लिम एक ही थाली में खाए ऐसा हिंदुस्तान बना दे या अल्लाह। इसलिए कहना है अमरीका हो चीन हो जर्मन लंदन पाकिस्तान लंदन पाकिस्तान अमेरिका हो चीन हो जर्मन लंदन पाकिस्तान हमको अपनी जान से प्यारा है ये हिंदुस्तान हमको अपनी जान से प्यारा है ये हिंदुस्तान हमको अपनी जान से प्यारा है ये पर जाने उस पे चांद लुटा कर बोले उस पे चांद लुटा कर बोले सच्चा हिंदुस्तानी के राजा की यही यही न देंगे कश्मीर कभी के राजा की यही न देंगे कश्मीर कभी के राजा की यही न देंगे कश्मीर कभी शेर में हक अदा करना चाहता हूँ। बाजन हमारे जितने फौजी थे वो क्या कह रहे हैं, आन की बात है आन भी दे सकता हूँ, आन क्या चीज है शान भी दे सकता हूँ। गोलियां खाकर ये तमाम फौजी ने कहा मैं तीर के वास्ते हम अपनी जान भी दे सकता हूँ। दीवाना क्या कर रहा है, हम पे फेंको बिल्कुल मौजूद बात है। फौजी कह रहे हम पे फेंको बम के गोले या बरसाओ मिसाइल या बरसाओ मिसाइल या बरसाओ मिसाइल हट न सकेंगे सरहद से राम हो या इस्माइल राम हो या इस्माइल राम हो या इस्माइल तूने
कश्मीर को अपने बाप की दौलत समझ के राजा की हीर यही नजर कश्मीर इससे ज्यादा जानते हैं। वाह, सफेरा साहब के बारे में जितना जानता है कोई भी रंग अकेला छा नहीं सकता फिजा पर, हमारी हिस्सेदारी को तिरंगा जानता है। मगर क्या बनने आए थे यहाँ, क्या क्या बना बैठे, क्या बनने आए थे यहाँ, क्या क्या बना बैठे, कहीं मंदिर बना बैठे तो कहीं मस्जिद बना बैठे। हमसे तो अच्छी एक परिंदे की जात है, कभी मंदिर पे जा बैठे तो कहीं मस्जिद पे जा बैठे। बड़ा कीमती गीजर इस मिसरे में याद आ गया, मगर प्यार और खुलूस का जज्बा संभाल रखा है, प्यार और खुलूस का जज्बा संभाल रखा है, इज्जत और मोहब्बत का जज्बा संभाल रखा है। और तिरंगा हाथ में देखकर यूं लगा जैसे माँ ने गोद में बच्चा संभाल रखा है। मुसलमान कौन है, हम ये ना देखे हिंदू कौन है मुसलमान कौन है, इसका पता लगाए के परेशान कौन है। और यूं मंदिर 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 रिपीट कम करो, हम ये ना देखे कि हिंदू मुसलमान कौन है, इसका पता लगाए के परेशान कौन है। यूं मंदिर मस्जिद के मसाइल में ना उलझे, घर घर तो जाए देखे पहले परेशान कौन है। मुझे नाज है उन जवानों पे यारो, मुझे नाज है उन जवानों पे यारो, मुहाफिज है जो मेरे हिंदुस्तान के, जो जा देकर करते हैं सबकी हिफाजत, ये सब वीर सैलानी, ये सब वीर सैलानी है धरती माँ के। मुझे नाज है उन शहीदों पे यारो, जिन्होंने गला ममता का, जिन्होंने गला अपनी ममता का घोटा, ना थे उनकी आंखों में उस दम भी आंसू, कफन बेटे ने जब तिरंगे का पहना, कफन जब बेटे ने तिरंगे का पहना। मुझे नाज है उन शहीदों पे यारो, मुझे नाज है उन शहीदों पे यारो, जिन्होंने वतन के लिए खून अपना बहाया, हमारे इस आजाद भारत की खातिर लहू का तिलक माथे लगाया। क्या बात है। मुझे हमारे इस आजाद भारत की खातिर लहू का तिलक अपने माथे लगाया। मुझे नाज है ऐसी, मुझे नाज है ऐसी माओ पे यारो, जिन्होंने गला अपनी ममता का घोटा, ना थे उनकी आंखों में उस दम भी आंसू, कफन जब बेटे ने तिरंगे का पहना। मुझे नाज है ऐसी बहनों पे यारो, के सीता पे जाते हैं जिनके भाई, तिलक उनको करती है वो विदाई, लगाकर तिलक उनको करती है विदाई। मुझे नाज है ऐसी दुल्हन पे यारो, जो देकर के बंदूक अपने पति को, दुआ करती है अपने परमात्मा से के लड़ते हुए पहुंचे वो वीरगति को। मुझे नाज है ऐसी बच्चों पे यारो,
मुझे नाज है ऐसे बच्चों पे यारो, जो कहते हैं मम्मी ना हमें भूल जाना, तुम्हें मेरे पापा के पढ़नों की शौकत, मुझे भी वतन का सिपाही बनाना। मुझे भी वतन का सिपाही बनाना, वाह वाह, मुझे भी वतन का सिपाही बनाना। पहले बड़ा कीमती शेर भैया इस शेर सुन लो, बात कल की है। एक ही घर में दोनों साथ रहते थे, इस तरफ मियां गुलाम रसूल, इस तरफ सोमनाथ रहते थे। मगर तुम देखो हमारे नाम के साथ हिंदू मुस्लिम का लफ्ज जोड़ गए। अरे जाने वाले तो चले गए मगर जहर हिंदुस्तान में छोड़ गए। रोकर ये तिरंगे ने कहा, ये आजकल क्या हो रहा है। रोकर ये तिरंगे ने कहा, ये आजकल क्या हो रहा है। मेरा लहराने में कम और कफन में ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। लहराने में कम कफन में इस्तेमाल हो रहा है। क्या बड़ा अच्छा शायर लिखा अंदाज। लेकिन शायर का इसको सिर्फ कोमिक का तक के रखो, अगर इसको सियासत में अगर लेके चल गए, राजकारण में लेके चल गए, तो मैं समझूंगा कि बड़ा बच बचाने वाला काम चल रहा है। ऐसा इनका कहना है, शेर पढ़ो बाबा। कश्ती जब भी डुबोएगा सहारा देकर मारेगा, सुनो है मछलियों तुम्हें चारा देकर मारेगा। गलत फहमी में मत रहना कि अच्छे दिन भी आएंगे। गलत फहमी में बड़ी परेशानी हुई ना। चलो इसको रख देते हैं, लेकिन चार में से मैं पढ़ देना चाहता हूं। अब वो चार में से क्या है? ओ हो ओ हो ओ हो ओ हो ओ हो